Diam senior. Ya video orang. Fresh hai. Ne ek gol diya magar dono gol maine diya wo zero tha. So guys इधर चल रहा है कल्चरल। हाँ तो हम लोगों को कल्चरल देखने का कोई भी मतलब हम लोगों को कल्चरल में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोग कौन से कॉलेज से हो? प्राग्दूस का मेरा कुछ फ्रेंड था, ईशान को पसंद हो? ठीक है तो अभी मतलब कल्चरल चल रहा है ना, हम लोगों को उधर से शिफ्ट कर दिया। हम लोगों को अभी ड्यूटी मिलेगा, अभी ड्यूटी करना है कोर्ट एरिया में। चलिए करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही हालत खराब हो चुका है। इधर चल रहा है कल्चरल, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। यही इसीलिए यहाँ पर हम लोग डील कर रहे हैं, पिच्चे मोड़ कर रहे हैं, सारे लोगों के साथ फोटो खींच रहे हैं, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। सो गाइस हमारा ड्यूटी हो चुका है। सेंस इसका नाम क्या है? तनयन। तनय इसका नाम है। अवरजीत। कौन सा कॉलेज? एवी कॉलेज। एवी कॉलेज का है। सो चलिए अभी इन लोगों का ड्यूटी है, अभी इन लोग खींचेंगे इधर। तो चलिए अभी आपको दिखाना है बहुत कुछ। कॉलेज का नाम क्या है तेरा? पांडे कॉलेज। पांडू कॉलेज। हाँ पांडू कॉलेज मेरा फ्रेंड भी है। ठीक है चलेगा गाइस। हेलो गाइस, तो अपना भारत महान देखो इधर, मतलब मेरा भारत महान। और ये रहा वो क्लासरूम जहाँ पर मैंने खुद क्लास लिया था WD का और डिजास्टर मैनेजमेंट का और हेल्थ एंड हाइजीन का। तो देखिए गाइस, सो हो गया, यही था मेरा फर्स्ट क्लास इस रूम में और आज ए लास्ट डे ऑफ दिस कैंप। एंड ये है जेएन बिनोलवाड़ी और ही है वो हमारा कैंप पॉइंट। सबसे अच्छा इसका है, इसका लाइटिंग अच्छा है, इसका सब कुछ अच्छा है, इसका जितना भी रूम्स है सब कुछ एक स्मार्ट क्लासरूम है। और देखिए इंडिया, ये क्लासरूम सारा का सारा क्लासरूम डिजिटली फुल है और हर रूम के सामने एक वाईफाई सिस्टम कनेक्टेड है। और ये रहा हमारा G20 का जितना भी देश है उन देशों का फ्लैग्स। ये है अपना लाचित बरफुकन। आप लोगों को पता है आश्रम का सबसे खूंखार, सबसे बुद्धिमान, सबसे कुशलशाली सेनानायक था लाचित बरफुकन। और आप लोगों को तो पता होगा ही कि सरायघाट रन इन्होंने ही जीता था और इन्होंने बहुत सारे 17 बार मुगल साम्राज्य ने इन हमारे आश्रम पर आक्रमण किया और आश्रम के जो वीर योद्धा थे उन्होंने उनको दूर भगाया। ये है अपना हॉस्टल रूम जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो चलिए अभी आप लोगों को हॉस्टल दिखाते हैं। और उधर बहुत सारे जेडी लोग हैं, मतलब जूनियर डिवीजन का जितना भी स्कूल के बंदे होते हैं उन लोगों को जेडी बोलते हैं। ठीक है, और उधर एक बहुत ही बड़ा पानी का टैंक है। तो चलिए अभी हॉस्टल की तरफ। सो फ्रेंड्स ये है सर लोगों का क्वार्टर और इस कैंप में जितने भी PI सर लोग आए हैं इधर रह रहा है। तो चलिए, और ये है दूसरा हॉस्टल इधर, ये है हॉस्टल नंबर 4 शायद, और हम लोग है हॉस्टल नंबर 10। और हम लोग हॉस्टल नंबर 10 में ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें रहते हैं। और इधर कुछ जेडी वगैरह वगैरह है। चलिए दिखाते हैं अपना हॉस्टल। बहुत बड़ा है।